नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नियम का पालन न करने वाले टैक्सी संचालकों पर अब कार्यवाही की जा रही है। इन टैक्सी चालकों की टैक्सियां जब्त करके यातायात थाने में रखाई जा रही है। आगामी 10 दिनों तक ये अभियान चलेगा, जिसमें यूनिफॉर्म न पहनने वाले ड्राइवर्स या फिर इसके अलावा कागजात न रखे जाने या ओवरलोड वाहनों पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार और मंगलवार को लगभग 10-10 टैक्सियों के प्रकरण बनाए गए। अभी ऑटो जो बिना वर्दी के चल रहे हैं, लगातार कार्रवाई उसमें की जा रही थी पहले से भी, कुछ ड्यूटीज के कारण नहीं हो पाई थी, तो अभी फिर से उसको पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से फिर से चालू किया गया। तो इसमें सभी कागजात और वर्दी चेक की जा रही है, जिस कागज़ में कमी उस हिसाब से चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई हमने कल से पुनः शुरू की है। इसमें कल 20 टैक्सियाँ पकड़ी थी, उनमें से अभी कुछ जो बिना जिनके कागज़ पूरे थे उनको वर्दी का चालान करके छोड़ दिया और कुछ को कोर्ट भेज रहे हैं, अभी कोर्ट में पेश किए हैं चालान। और आज अभी 10 टैक्सियाँ पकड़ी और कार्रवाई लगातार जारी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हरित भारत अभियान के तहत सटई थाना के परिसर में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सटई थाना प्रभारी सहित ब्रह्मकुमारी आश्रम के सदस्य बहनें मौजूद रहीं और यहां पौधारोपण कर प्रकृति बचाए जाने का संदेश दिया गया। ये वृक्षारोपण हमने सतई थाने में यादव जी उन्हीं की उपस्थिति में किया और सभी के अंदर ये प्रेरणा आई कि पौधे लगाकर हम इसकी सुरक्षा करेंगे और इसकी प्रेरणा भी दूसरों को देते रहेंगे। थाना परिसर में हमने वृक्षारोपण कराया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की अच्छी मंशा करके बरसात का मौसम और थाना परिसर में जो भी खाली जमीन है, खाली जगह है, वहाँ पे वृक्षारोपण कराया है। उनकी मंशा के अनुरूप आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों द्वारा और समस्त स्थापना वृक्षारोपण यहाँ पर थाना परिसर में किया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छत्रसाल चौराहे पर देवी मंदिर के बगल में ही एक मिठाई की दुकान संचालक द्वारा दुकान के सामने काफी गंदगी की जाती है और पानी बहाए जाने पर आगे जिन लोगों की दुकानें हैं वे परेशान हैं। साथ ही साथ यहां पर बसों के लिए इंतजार करने वाले यात्री भी खासे परेशान हैं। यहाँ पर मौजूद दुकान वालों ने बताया कि यहाँ पर राठ वालों की मिठाई की दुकान है और वे पूरा कचरा और पानी तथा गंदगी रास्ते में बिखरा देते हैं, जो कि पूरी गंदगी उनकी दुकानों के सामने फैल जाती है और उससे बदबू और तमाम तरह की बीमारियां होने का खतरा है। कई बार मना करने के बावजूद झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। नगर पालिका में इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है। यहाँ पर चौराहे पे छत साल चौराहे पे ये राठ वालों की साहब दुकान है। इससे साल भर से कह रहे हैं पानी मत बहाओ, ये दुकानों के सामने से पानी बह रहा है। 25-30 दुकान एकदम पानी से तलातल है और गंदगी फैल रही है और उससे ज़्यादा बात करो तो सब बोल लगने को तैयार है। अब क्या करें, 10-12 बार कंप्लेन कर चुके हैं, ना नगर पालिका सुन रही है ना कोई सुन रहा है। उसकी मिठाई की दुकान है साहब, सवेरे से शाम तक पानी बहता। अब निवेदन है कि आप कछु ना करो तो कम से कम देख तो लो कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। पूरे आदमी परेशान हैं, हर आदमी, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा है, एकदम गंदगी और बदबू के अलावा कुछ है नहीं है। राठ वाले कह रहे हैं किराने वो मिठाई की दुकान, उसके यहाँ पूरा पानी बहता है तो दुकानों के सामने से निकलता है, तो पूरी गंदगी भी आती है उसकी और समोसे वमोसे की कचरा वचरा पूरा फैलता है। शिकायत की आपको तो है? शिकायत नगर पालिका वालों से 2-3 बार, तो कुछ जो है सही जवाब ही नहीं देते। बोले हाँ ठीक करवा देंगे, मना कर देंगे, ऐसे सब हो जाता है। यहाँ पर पानी भर जाता है जिससे मच्छर और बदबू बदबू आती रहती है, इस समस्या का निदान हो जाए तो अच्छा रहे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। डायल 100 के संचालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सटई थाने में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर आरक्षकों को इस बात की जानकारी लैपटॉप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई कि वे इसके माध्यम से जान सकते हैं कि आखिरकार वाहन कहां गया है, कितनी दूरी पर है, किस स्पीड में चल रहा है और तमाम तरह की जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर डायल 100 प्रभारी DS नीलेश शर्मा, थाना प्रभारी दीपक यादव सहित थाने का स्टाफ मौजूद था।
आज सटई थाने में श्रीमान एस पी महोदय के निर्देशन में फीडबैक का समस्त स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। एफ आर पर जो इवेंट आते हैं उनका फीडबैक थाने से दिया जाना है, समस्त स्टाफ को इसका प्रशिक्षण दिया गया और थाने से ही एफ आर पी की वॉच कर सकते हैं। एफ आर पी कहाँ कहाँ चल रही है ये सभी ये शासन के मंशा के अनुरूप जो डाइट ब्रेड योजना चल रही है, डाइट ब्रेड योजना में जो भी इवेंट आते हैं उसके फीडबैक के संबंध में आज एक प्रशिक्षण डीएस महोदय द्वारा दिया गया है, जिसमें हमने समस्त अपने स्टाफ को प्रशिक्षित कराया। उनमें जो भी इसमें इवेंट आते हैं उसके फीडबैक के संबंध में कंप्यूटर द्वारा जानकारी दी जाती है, उसके संबंध में उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आपको याद होगा कि लगभग दो महीने पहले से नौगांव में कुछ छात्रों के अपहरण की अफवाहें सामने आई थी। इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। गौरतलब है कि लगभग चार पांच ऐसे मामले आए थे, लेकिन इसमें ना तो कोई शख्स गिरफ्तार हुआ और ना ही किसी का अपहरण हुआ। थाना प्रभारी का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश करने के बाद पता चला है कि ये 13 से 16 वर्ष के ऐसे छात्र हैं जो कि या तो नशे की गिरफ्त में थे या फिर आईपीएल का सट्टा लगाया था और उसके बाद ऊंचे ऊंचे ख्वाब बुने और जब सट्टा हार गए तो कोई परेशान न करे, पैसे न मांगे, इसके लिए ये अपहरण की इस तरह की घटनाएँ या अफवाहें रची गई। उनका कहना था कि ऐसे छात्र छात्राओं से मिलकर उनके परिजनों को भी समझाया गया है। ये नाबालिग बच्चों के अपहरण की जो सूचना पिछले दो माह से चल रही है, यह टोटल फेक न्यूज है, इसमें किसी भी प्रकरण में सच्चाई नहीं पाएगी। यह सब 13 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं जो कि काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और इनको अच्छे होने का बोध नहीं है। अधिकांश बच्चे आईपीएल के सट्टे में लिखते हैं और सूची कनाडा लीग वगैरह उसमें सट्टा खेलते हैं, जुए में क्या ब्लैंड पैसे हारने से और नकद पैसा हारने के बाद यह इनके द्वारा स्वयं रचा जाता है, जिससे कि जिनका उधार पैसा है पैसे के तकादे से बचे तो लोग पैसा ना मांगे, दाव बनाने के उद्देश्य से ये रिपोर्ट कराई गई है। ठीक है, अगर इसकी जांच हो चुकी है और ऐसी जानकारी सामने आई तो क्या इनके परिजनों को समझाई दी गई? हाँ, इनके बच्चों के परिजनों को बराबर समझ दी जा रही है कि आप बच्चों पर नज़र रखें, उनको समझाएं कि ये ख्यालों की दुनिया में न जिए, पढ़ाई लिखाई करें, अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, क्योंकि सभी नाबालिग बच्चे हैं। उनको बच्चे इनकी बच्चों की पहली पाठशाला के माँ बाप होते हैं, उनके अभिभावक इनकी पाठशाला होते हैं, उनको ही इनको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। आज पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी और अधिकारियों के संयुक्त संघ द्वारा प्रदेश इकाई के आह्वान पर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी गई। इस हड़ताल में मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव तथा मंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांगे रखी गई हैं, खासतौर पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग और जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं उनको नियमित करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा अन्य मांगों के समर्थन में भी पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सांकेतिक तौर पर हड़ताल रखी गई। अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 27 माह का एरियर भी जो बढ़ा हुआ वेतनमान है उसका नहीं मिला है और अगर उनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो 12 सितंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारी अधिकारी लोग जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करने को लेकर इकट्ठे हुए हैं, इसमें वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन भी शामिल है और विशेष तौर से जो हमारे यहाँ स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए ये मांगों को पूरा करने के उद्देश्य है हड़ताल की गई है। और हमारी विशेष तौर से जो मांग है वो है जो सेवानिवृत्ति की एज है वो 60 से 62 की मांग को लेकर विशेष तौर से है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए ये हड़ताल आयोजित की गई है। आज हमारे यहाँ ये संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम दोनों के एक साथ मुख्यालय के हमारे पदाधिकारियों के आह्वान पर एक दिवसीय सांकेतिक स्ट्राइक की जा रही है और इसमें सारे काम बंद कर दिए हैं, जिसमें पीडीएस वगैरह जो भी द्वार प्रदाय संबंधी काम रहता है और भी जो सारे काम है पूरा कार्यालय बंद है, काम बंद स्ट्राइक है। आज हमारी जो मांगे हैं मुख्यतः जो शासन ने वर्ष 2018 में मार्च में समस्त लोगों को 60 से 62 वर्ष आयु घोषित कर दी है सबको और हमारे दो निगम खासतौर से इसमें छूट गए हैं। आज मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन दो निगमों के संघर्ष समिति
के आह्वान पे आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आयोजित की गई है। हमारी 7 सूत्री मांगें शासन के पास लंबित हैं। अगर इन मांगों पे आज की सांकेतिक हड़ताल के बाद विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग अगली 12 सितंबर से 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और अपनी मांगों को हर हाल में मंगवा के रहेंगे। हाँ माँ, कोमल कैसी है? बोर हो रही है बेचारी। अच्छा, तुझे याद है ना तेरे पिताजी का रिटायरमेंट है तो तू आ रहा है ना? नहीं माँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा शाम को चलते हैं घूमने। दादू के ऑफिस का आखिरी दिन। माथुर जी, अब तो आराम से कटेगी जिंदगी। हाँ क्यों नहीं, माथुर साहब का एक ही तो बेटा है। वो मेरे साथ नहीं रहता। पोती जरूर आई है लेकिन दो एक दिन बाद वो भी चली जाएगी। शाम को घूमने चलेंगे बेटा। बाबूजी पहुंच गए। दादू, आपका ही नाम है। बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से, टूटेगा ना छूटेगा किस भी दूरी से, ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा, ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शिल्पशाला मार्ग में स्थित सिंधी धर्मशाला के समीप झूलेलाल मंदिर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए बकायदा हवन पूजन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी भी पहुंचे और उन्होंने हर संभव सहायता देने की बात सामने रखी। इस मौके पर समाज के प्रमुख लोग श्याम बाबू आडवाणी, लालचंद लालवानी, अनीस खान, सीएमओ अरुण पटेरे सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। स्थापित हो रही है, जिनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और पूरा छतरपुर का सिंधी समाज पूरे परिवार के साथ यहाँ शामिल हो रहा है और इसके बाद यहाँ से भव्य शोभा यात्रा बड़े तालाब से शुरू होगी जो कि कोतवाली महल तरह होते हुए हरिद्वारा होते हुए सिंधी धर्म कला आएगी। इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के विधायक परजन भैया ने भी भगवान झूलेलाल जी से आशीर्वाद लिया और हम लोगों को हमेशा हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज पूरे सिंधी समाज के द्वारा यहाँ पर सिंधी धर्मशाला में श्री झूलेलाल भगवान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। ये कहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये सिंधी धर्मशाला सिंधी कॉलोनी में
उनके मंदिर शांत आस्था होगी और बड़ी धूमधाम से मगरमत प्रभात फेरी निकलने के बाद यहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चौक बाजार में संचालित एक कोचिंग सेंटर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, उसका एमएमएस बनाने और उसके बाद उसे वायरल करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया। आरोपी आरिफ मंसूरी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। जैसे इस बात की खबर हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने चौक बाजार में दोपहर लगभग 3 बजे अचानक जाम लगा दिया। मामले की खबर लगते ही तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी मौके पर पहुंचे और उसके बाद एडिशनल एसपी और लगभग 6 थानों की पुलिस यहां पर स्थिति को संभालने के लिए पहुंच गई। एसडीएम के पाठक भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाइश दी। इस मौके पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें अवैध कोचिंगों पर शिकंजा कसे जाने की मांग उठाई गई, साथ ही साथ आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। आज जो आप सबको जानकारी में होगा, जो पेपर में निकला है, सबको जानकारी में है, एक मुसलमान आरिफ मंसूरी द्वारा, हिंदू बहन हमारी छोटी बहन के द्वारा जो कृत्य किया गया, एमएमएस बनाकर उसको बदनाम करने की साजिश की गई, उससे शारीरिक देहिक एवं आर्थिक शोषण किया गया, उसके विरोध में आज बजरंग दल एवं हिंदू समाज ने जुड़ के पूरा बाजार बंद कराया है एवं पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक प्रशासन से ये मांग की है कि उसका गधे पे बिठाल के काला मुंह करके जुलूस निकाला जाए। कोचिंगों का समय जो कि सुबह 5 बजे नहरे में रहता है उसको बदल के 6 बजे किया जाए, शाम के 6 बजे तक जब तक वो जिला रहता है। जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट एवं यहाँ पे जो होटल हैं जिनमें कैबिन की सुविधा है, अय्याशी के अड्डा बने हुए हैं, उनको बंद किया जाए। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है 2 दिन के 48 घंटे के अंदर अंदर सारे जो होटलों में रेस्टोरेंटों में केबिन बने हुए वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, कोचिंगों का समय बदल दिया जाएगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला अस्पताल में दोपहर लगभग 2 बजे अचानक हंगामे की स्थिति उस समय बन गई जब एक महिला द्वारा बच्चा बदलने की बात यहां पर उठाई गई। एक दिन पहले यहां पर मुकेश नाम के शख्स की पत्नी को एडमिट कराया गया था। प्रसव पीड़ा के बाद उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ओटी में भेजा गया। वहीं एक अन्य गांव से आई हुई महिला को भी ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इसके बाद जब ऑपरेशन से जब प्रसव हुआ तो एक बच्चा मृत पाया गया। इसके बाद ये स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई जिसमें मुकेश की पत्नी को जब मृत बच्चा दिया गया तो उनके परिजनों ने विरोध कर दिया। इस मामले में सिविल सर्जन का कहना है कि विरोध की खबर उन्होंने भी सुनी है और इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, तब कहीं असल स्थिति सामने आएगी। हमें ये लग रहा है कि बच्चा बदल लिया है। कैसे, पहले इनने सरोज का नाम लिया जब वो बच्ची लेके आए और उसी सरोज के परिवार वालन के साथ उनको वो बच्ची थमाई है, वो बच्ची उनके परिवार वाले लिए थे, लापरवाही तो है ही। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि उसका चेकअप कराया जाए कि मतलब सरोज का बच्चा कौन है और मुकेश का बच्चा कौन है। जी, अभी हमने भी सुना है। वो मैं वो टीम में गया था, ऑपरेशन हुए हैं दो गर्भवती माताओं का ऑपरेशन के द्वारा बच्चे हुए हैं और उसमें एक परिजन का कहना यह है कि वो जो बच्चा दिया गया वो दूसरी महिला का है और जो मेरा बच्चा है उसको दे दिया गया, ये बात हुआ है। तो अभी इसकी हमने से पुलिस को बुला करके इसे पुलिस को विवाद ले करके मैंने कहा इनके आवेदन ले लीजिए, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, डीएनए टेस्ट होने से स्थिति क्लियर हो जाएगी। और हमने भी उनसे एक आवेदन मांगा है, उसको मैं कोतवाली भेज रहा हूँ और जैसे वो डीएनए टेस्ट हो जाएगा स्थितियों का क्लियर हो जाएगा। हालांकि संभावना यही है कि जो केस शीट में अभी अवलोकन कर रहा था तो ये मुकेश शिवहरे की जो पत्नी है, इनकी पत्नी के केस शीट में ये कल ही लिखा हुआ है कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है और ये भर्ती के समय ही ये लिखा हुआ है उसमें कि ये बच्चे इसके जो पानी की निकल चुका है, पानी कम है और इसके उसमें लग भी दिया गया था कि मेरे बच्चे को स्थिति खतरे में है, खतरनाक स्थिति में है और ये स्थिति पहले इनको बता भी दी गई थी। तो लेकिन उनको जो चूँकि शंका है तो उस चीज़ का क्लियरेशन हो जा रहा है, डीएनए हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जा रहा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कुमार ने एक बार फिर से जिला पंचायत ऑफिस के समक्ष चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर लगभग 1 सैकड़ा लोग अपनी तमाम समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे।
इस चौपाल में एक लंबा अंतराल होने के सवाल पर उनका कहना था कि पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद फिर संसदीय चुनाव और सत्र लगातार लंबा चलने की वजह से इसमें गैप हुआ है, लेकिन अब वे लगातार जनता से रूबरू होते रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनते रहेंगे। हालांकि इस बार भी समस्याओं में आवास से जुड़ी समस्याएं और इसके अलावा राजस्व तथा खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्या लेकर लोग उनके पास पहुंचे थे। सभा चुनाव और उसके पहले विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव के पहले तक तो मैं चौपाल के माध्यम से लोगों से मिलता था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी तो उसके बाद से बंद हो गया था। फिर लोकसभा के चुनाव आ गए और लोकसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा का सत्र लंबा चला, पहला सत्र। जैसे वहाँ से फुर्सत हुए, जनता से सीधा संवाद और संपर्क करने का ये बरसों से मैं कार्यक्रम चलाता हूँ। चौपाल के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना, संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करना, उनके निराकरण के लिए पहल करना। इसमें सब तरह के लोग आते हैं, आवास वाले आते हैं, इलाज के आते हैं, PPL के लोग आते हैं, कुछ जैसे वन विभाग के पास राजस्व विभाग से उनको बंदी बनी हुई है, कब्जा है, खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग के लोग उनको जमीन से बेदखल कर रहे हैं। ऐसे जो विभिन्न तरह के प्रकरण आते हैं, उन सारे प्रकरणों में जो है ना, जो तहसीलों में चर्चा करना, तो यहीं से फिर तहसीलदार महोदय से, SDM महोदय से चर्चा करना, जो जिला मुख्यालय से संबंधित काम होते हैं, तो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके उनके निराकरण के लिए सीधी पहल इस चौपाल के माध्यम से की जाती है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर में श्रद्धालुओं द्वारा 2 दिवसीय जटाशंकर धाम की पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए महाराजपुर के शिव सागर ताला पर स्थित विंध्यवासिनी मंदिर से हवन पूजन के पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां से जय भोलेनाथ के जयकारों के साथ पैदल यात्रा पर निकले। 2 दिवसीय इस यात्रा का पहला पड़ाव मातगुआ होगा और उसके बाद ये यात्रा जटाशंकर धाम पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आठवीं साल है और पानी मतलब वर्षा के लाने की भगवान से बिलती की वर्षा अच्छी हो क्षेत्र में। खुशहाली राज कहाँ के लिए रैली निकाली जाती है? महाराजपुर। महाराजपुर से कहाँ तक जाती है? कितने दिन की यात्रा रहती है? जटाशंकर। कितने दिनों की यात्रा रहती है? 12 घंटे। लगातार 7 बसों से हर बस जटाशंकर के लिए जाती है, महाराजपुर की सुख शांति के लिए, पानी के लिए भगवान भोले से प्रार्थना की। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO को वार्ड वासियों ने और कांग्रेस के सेवा दल आदित्य कौल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वार्ड वासियों के साथ छतरपुर नगरपालिका में पहुंच करके एक आवेदन दिया है, जिसमें वार्ड में नाली और सड़क न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना वार्ड वासियों को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं बच्चों को स्कूल आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि कई बार पार्षद को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन वार्ड वासियों की आज तक नहीं सुनी गई। जब जाकर के कांग्रेस के सेवा दल आदित्य कौल से वार्ड वासियों ने मुलाकात की और जाकर के अब एक आवेदन दिया है जिसमें सड़क नाली के निर्माण की मांग की गई है। वहीं वार्ड वासियों का ये भी कहना है कि अभी बारिश होने से पूर्व 35 से 40 ट्राली स्वयं के पैसों से वहां पर मुरम डलवा दी गई थी, लेकिन वहां पर अब बारिश होने की वजह से अब लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। जी, 16 और 17 नंबर वार्ड के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी रोड, जो दोनों वार्डों को जोड़ती थी। वहाँ से 400 से 500 लोग लगभग रोजाना आना जाना था, बच्चों का स्कूल जाना था, लोगों का मार्केट जाना था, तो ये रोज की समस्या थी उनकी। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों से बोला, नगर पालिका में बोला, हर जगह बोला उन लोगों ने, लेकिन उनकी समस्या को सुना नहीं गया। और आज CMO साहब से मुलाकात हुई, उनकी समस्याओं को रखा हमने आवेदन ज्ञापन देते हुए, और CMO साहब ने बहुत जल्दी उसका निर्णय लिया और तत्काल में उसके प्रभारी जो अधिकारी हैं उनको बुला के और शाम तक उसकी रिपोर्ट देने की बात कही है, और तात्कालिक व्यवस्था जो भी हो सकती है उन्होंने उसके लिए तत्काल में प्रभाव से बोला है काम करने के लिए, और जल्द से जल्द इस समस्या का वो समाधान करेंगे। क्या बात है, कार में दिक्कत है? सर्विस भी पूरी हो चुकी है?
आखिर लाखों की चीज किसके जिम्मे सौंपे? तो भाई एक नाम, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस। यहां पाएंगे सभी ब्रांड कारों की सर्विसिंग और 50 पॉइंट पर जनरल चेकअप, सभी ब्रांड्स के ओरिजिनल पार्ट्स का सर्विसिंग में प्रयोग, लेबर चार्ज डीलरशिप से 25% तक कम, बैलेंसिंग और 3D अलाइनमेंट की सुविधा, संपूर्ण सुविधा युक्त बॉडी शॉप में सभी ब्रांड्स की कारों का ओरिजिनल कलर कोडिंग से पेंटिंग और डेंटिंग कार, आधुनिक वैक्यूम मशीन द्वारा वैक्यूम क्लीनिंग और अलग वॉशिंग सेक्शन, सभी बीमा कंपनियों से एक्सीडेंटल रिपेयरिंग कार हेतु टाइप, सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी रिन्यूअल और पॉलिसी की सुविधा, एक्सीडेंटल रिपेयरिंग कार में कैशलेस सुविधा और आवश्यकता अनुसार कार के पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था। तो भाई चिंता किस बात की, आपकी कार में कुछ भी परेशानी है, फर्स्ट चॉइस आइए और चिंता से मुक्ति पाइए। हम आपको देते हैं सप्ताह के सातों दिन सर्विस की व्यवस्था। हमारा पता है अबीर ऑटो स्पेयर्स एंड सर्विसेज, जवाहर पेट्रोल पंप के पीछे, जवाहर रोड, छतरपुर। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।